महाप्रभुंकर अहेतुकी करुणार परिणाम स्वरूप संप्रति सिद्धार्थ भक्तिर परम पावन कार्यक्रम भागवत टुंगी एही पवित्र कार्यक्रम रे जोड़ी हिथिबा अगणित श्रद्धालु भक्त भाई मानकु सभक्ति प्रणति जय गुरु जय जगन्नाथ दिव्यात्मन विगत पर्यायर आम मैंने स्वदन करुले तृतीय स्कंदर पंचविंश अध्याय कथा जोटी भगवान का पीड़ माँ देवहूति की भगवान के सुंदर स्वरूप वर्णना करुले आज से स्वरूप कथा आम मैंने स्वदन करवा तेबे भगवान का स्वरूप केमिति क्या संतकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। किड़ी सुंदर स्वरूप महाप्रभुंकर शांत आकार भगवान शांत आकार एकदम शांत भोजग शयन से सनाग आनंदर कूल महाप्रभु सर्प उपर विश्राम करेणु महाप्रभुंकर जो सुंदर वर्णना करा जाइछि स्तवरे शांत आकार भोजग शयन पद्मनाभम सुरेशं विश्वाधारं भगवान होंगे विश्वर आधार पुरुष निजे गगन सदृश महाप्रभु आकाश सदृश दृश्यमान होती मेघ वर्णन तर्ण केमी क्या मेघ जमी मेघ आकाश में नीलमेघ आसने देखा जाए महाप्रभुंर स्वरूप होमती नील शुभांगम तक अंग गुड़िक सब हूँ शुभम से लक्ष्मीकांतम कमल नयन महाप्रभुंर नयन हूँ पद्म नेत्र जमी कहते भागवत सुंदर प्रसन्न बदन विकच कमल लोचन गोविंद 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 पदुगणुचि मकरंद सर्व सुंदर मनोहर मुश्याम सुंदर शरीर गोविंद 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 पदुगणुचि मकरंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। महाप्रभुंकर चक्षु देखिया को किभली ना विकच कमल लोचन विकच कहले प्रस्फुटित कमल कहले पद्म जमी पद्म फूलटे प्रस्फुटित हो गले जमी दृश्यमान हुए तो महाप्रभुंकर दिव्य स्वरूप आभा से प्रस्फुटित हो सुंदर प्रसन्न बदान महाप्रभु प्रसन्न चित्तरे अच्छा मुखमंडल को देखिले जड़े रागी जड़े क्रोधी कि जड़े शांत जड़े भद्र कि कौन मुहर ही जना पड़ीज तेणु मनुष्यर मुखमंडल हूँ ता समग्र शरीर चिंता चेतनार प्रतिरूप तेणु मनर भावना ही मुखर मुखमंडल माँ सुंदर मुखमंडल प्रतिभात हुए जाणी हुए ये भल भावुंत कि मंद भावुंत ये चिंताग्रस्त अच्छा कि चिंता मुक्त अच्छा तेणु भगवान कर सुंदर मुखमंडल विकच कमल लोचन सुंदर प्रसन्न बदन प्रसन्न अच्छा महाप्रभु भगवान बड़ प्रसन्न हो गले जगत प्रसन्न हो गला महाप्रभु आज प्रसन्न चित्तरे अच्छा निजे प्रभु कहते सर्वसुंदर मनोहर मो श्याम सुंदर शरीर भगवान कर शरीर केमी प्रभु निजे माँ को कहते मो शरीर हूँ श्याम सुंदर शरीर श्याम सुंदर हे हरि नट नागर 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 आह नवीन निरद तनु कि मनहर नवीन निरद तनु कि मनहर श्याम सुंदर हे हरि नट नागर
श्याम सुंदर हे हरि नट नागर। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। परम कारुणिक सद्गुरुदेव कहते बाबा वैकुंठनाथ श्याम सुंदर हे हरि नट नागर नवीन नीरद तनु कि मनोहर। नवीन नीरद कहले मेघ नुआ मेघ आसिले जो सुंदर रूप तार कि मनोहर रूप तो हे महाप्रभु श्याम सुंदर हे नट नागर आपणकर स्वरूप होची सेमिति। ये कथा निजे भगवान माँ कपिल भगवान कपिल निजे माँ को कहते कहले माँ मो श्याम सुंदर शरीर सर्वसुंदर मनोहर। सर्वसुंदर मोर सब जाक सुंदर आउ मनोहर रूप मोर जो रूप को देखिले मन आपे आपे हरण हो जाए मन लाखि जाए भगवान कर सेमितिया रूप। सतरे आपण श्रीक्षेत्र पुरी जाई जगन्नाथ महाप्रभु को दैनिक भी भक्त दर्शन करुछंती सकाळे संजे तथापि सकाळ हेले पागल प्राय हिचंती जदि दर्शन टिके न मिलिला ना भोजन रे रुचि अछि ना को कामरे रुचि अछि काहेकि से सुंदरताटा सेमिति किया कौन बा अच्छी महाप्रभु पाखे कि आकर्षण शक्ति अच्छी जिते देखुले नुआ लगू थाए से महाप्रभु नव जौवन हूँ ताने जौवन सब बड़े अच्छी से वृद्ध केवे नुहति वर्ष को थे अणसर घरे जो ठाकुर गुप्त सेवा हुए ता अणसर शेष पर्यायर ही महाप्रभु नव जौवन दर्शन से सब बड़े नवजौवन नवजुवक सी सब बड़े केवे प्रढ़ता आसे ना सी वृद्ध हमती नहीं सबुले नवजुवक प्रभु लीला करुँचि दृष्टिभंगी जिते थर देखिले भक्त मध्य बारंबार प्रार्थना करे आसी कालिया तो दर्शन पाई रे आसी कालिया तो दर्शन पाई रे तोते छाड़ी जीवा मो मन बलु नहीं रे तोते छाड़ी जीवा मो मन बलु नहीं रे तोते छाड़ी जीवा मो मन बलु नहीं रे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बारंबार भक्त महाप्रभु को दर्शन करिला परे मध्य लोभ थाए आउ टिके आखि पुरी देखि न थंती आउ टिके थरे जाय देखि आसंतिनी एई जो लोभ भक्त भितरे काहेकि ना से मनलोभा रूप से मनोहर रूप होची महाप्रभुंकर जहाँ कौनसी व्यक्ति पाखे न थाए केवल भगवान पाखे से आकर्षण करिवार क्षमता थाए तेणु भगवान कहते माँ मोर अपूर्व रूप आउ बाणी मो बाणी होची अपूर्व तांकर सबु मधुरादि पथे रखिला मधुरम भगवान को रूप मधुर तांको मुख मधुर तांको नासा मधुर तांको चक्षु मधुर तांको वचन मधुर तांको वेणु मधुर मधुराष्टकरे सुंदर भाव वर्णना कराई मधुराधिपते रखिलं मधुरम वेणु मधुरा रेणु मधुरा सबु ही मधुर 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 भगवान से कथा कहते माँ मोर अपूर्व रूप बाणी तनुरो मंच कही सुनी भगवान को रूप वर्णना करू करू जहाँ शरीर रोमांचित हुए बाणी गदगद हो जाए ए रूप छाड़ी तार मन कवल्ये किबा प्रयोजन जी भगवान कर से दिव्य रूप को दर्शन करुची भगवान सुंदर किरीटटे लगे चूल मयूर चूलटे लगे बेकरे तंकर सुंदर वनमाला सुशोभित ए रूप धीरे मन राखी गला जितेबले तार आ कवल्य कौन दरकार मुक्ति कौन दरकार महाप्रभु को पाइला जिते रास्ता कर्मजोग भक्ति जोग ज्ञान जोग सबु जोग गुड़ाक तो आए मन को पाखे निवेशित करदेला तार आउ तपस्या कौन दरकार तार आउ साजुझ मुक्तिर कि आवश्यकता अच्छी जो पांच प्रकार मुक्ति अच्छी साजुझ सारूप्य सालोक्य सामीप्य श्रास्थी ये मुक्ति तार दरकार नहीं से वैष्णव मैंने भगवान पाखे प्रार्थना करती हे प्रभु आमे मुक्ति चाहे ना आमर मुक्ति दरकार नहीं बारंबार जन्म हबू आपणकर सेवा करिबार सौभाग्य आमको प्राप्त होता सेवार जो आनंद मिले ताहा अन्य मुक्ति से ही आनंद प्राप्ति हबना
तो मुक्ति पाइबा पूर्वर तो भक्ति दरकार, जदि भक्ति नहीं तो मुक्ति हम केमी। तेणु झी भगवान से दिव्य स्वरूप को बारंबार दर्शन करे, ए रूप देखी चित हरे कैवल्य लभे अवांतरे। गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सही स्वरूप को दर्शन करू करू बेले समय आसी जीव कैवल्य मुक्ति अवश्यता को प्राप्त हेब, अप्रत्याशित रूपे ताको से कैवल्य मुक्ति प्राप्ति हेब। से चाहू नथिबो किंतु आपणा छाई ताको से मुक्ति मिली जीव, काहिंकि तार शयन स्वप्ने जागरणे सदा सर्वदा से भगवान रूप दर्शन तांकरी सेवा तांकरी कथा कीर्तन सबुथेरे से मजिकी रहिला। मन टिकी भगवान को पादरे दे देला, जी मन टिकी महाप्रभु चरण देला। सकाळ उठिले मोर दुटा दरकारी फूल, महाप्रभु स्नान करी सुंदर भाव में महाप्रभु स्नान करदेला, एवं वस्त्र परिधान करदेला, टोपी टोपी कि चंदन मंडन करदेला, पुष्पराज रे सुशोभित करदेला। आरे मो दिह गाधले भोक लगे कौन खाइबे, जथा देहे तथा देवे, जमी देहपाई आम व्यस्त सेमती देवता जी करदे। धीरे धीरे यही कर्म एभली हम जे ये कर्म आमको बंधन न पकई, ये कर्म मुक्ति पथर रास्ता को परिष्कार कर। तेणु जी यही कथा करे, ए रूप देखी चित्त हरे कवल्य लभे अबांतरे। निसंदेह तार निश्चिंत भाव कवल्य अर्थात मुक्ति प्राप्त हेब, जी सदा सर्वदा से गोविंद से गोपाल चिंतार मजि जामी। गोपी मान बिक्री करिया को जाऊते दही क्षीर लहुड़ी घृत, किंतु मन तांकर एमती मजी थी कृष्ण प्रेम जे से गाँव में बुली दही क्षीर बिक्री करुले कौन कहते महर्षि बेलमंगल कलम करू कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादा चित चित बुद्धि लध्यादिक मोह बसात बोचत गोविंद दामो दरमाद बेति। गोविंद दामो दरमाद बेति, गोविंद दामो दरमाद बेति, गोविंद दामो दरमाद बेति, गोविंद दामो दरमाद बेति। बोले श्रीमद भागवत भगवान की। देखंतु कर्म करिया को जाउचंती गोपाळुणी माने, तंकर कुल व्यवसाय निजे मस्त मुंड धीरे टोकई नहींचंती, पसरा नहींचंती, पसरा धीरे दही अच्छी क्षीर अच्छी लहुड़ी भी अच्छी घी भी अच्छी चल्ला टिके नहींचंती बिक्री करिवे। गाँरे किए धान पोषे दब किए चाउल मुठे दब, तो से तो पैसा पत्र बड़ा दुर्लभ थिला, तो धान चाउल बा शस्य बदल रे ये दही क्षीर बिक्री करी गाँ को फेरुले। तो जितेबले गोपाळुणी पसरा धरिकी गाँव में बुलू बिक्रेत कामा किलगोप कन्या मुरारी पादार चित मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, भगवान पादरे तार चित आउ वृत्ति सबू से निविष्ट हो जाता। दध्यादिक मोह वसात बोचत, से दधि देला बेलू दही बिक्री कला बेलू एभली कृष्ण प्रेम मोह होता जे से डाकुले गोविंद नब गोविंद, दामोदर नब दामोदर, माधव नब माधव, बिकुला दही क्षीर किंतु डाकुला गोविंद दामोदर माधव। चिंता करतु तो कर्म आज धर्म परिणत हो गला, दही क्षीर परिवर्ते गोविंद गोपाल दामोदर माधव डाकी डाकी चलला। आउ शेषे से गोपी मानक कि प्रकार गति है, से तो भगवान वेदव्यास संस्कृत भागवत कहते वंदे नंद बज स्त्रीण पादरेणु मभीक्षण सह जस्यां विरोह गीतं पुनाति भुवनं त्रयं। धन्य धन्य से माने ब्रजनारी मानकर पाद धूलिक वंदना करी चंती पाद रेणु मभीक्षण सह।
ଏଇଭଳି ସେଇମାନେ ଥିଲେ ଯେ ନିଜର ମନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଚରଣ ରେଣୁକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସେବକ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କଲମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ରଘୁ ନିରନ୍ତରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ରଘୁ ନିରନ୍ତରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ, ନିରନ୍ତର ମୋ ମନ ସେଇଠି ରହୁ, କାହିଁକି ଦେହ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦେହ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ବେପାର କରୁଥିଲେ ସତ, ମନ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁକ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। କହିବଲେ ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜମା ନୁହେଁ, ସେ ତ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, ମା ଏ ରୂପ ଛାଡ଼ି ତାର ମନ କବଲ୍ୟେ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ, ତାର ଆଉ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର ମା, ଯିଏ ସେଇ ରୂପରେ ନିଜ ମନକୁ ନିବିଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଏ ରୂପ ଦେଖି ଚିତ୍ତ ହରେ କବଲ୍ୟ ଲଭେ ଅବାନ୍ତରେ, ଯିଏ ସେଇ ରୂପକୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ ତାର କି ପ୍ରକାର ଗତି ହୁଏ, ତାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରୂପେ ମୁକ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଛି, ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯଶ ଶ୍ରୀ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ଦେବ। ସବୁଠୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ଯିଏ ଭକ୍ତ ତା ପାଖରେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କାମ ଦେବ, ସେ ତ ଭକ୍ତିରେ ତନ୍ମନ ହେଇଯାଇଛି। ଚାରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାର, ସେ ଭକ୍ତି ଅଟଇ କୋଠ ଗୋପୀମାନଙ୍କର, ସେ ଭକ୍ତି ଅଟଇ କୋଠ ଗୋପୀମାନଙ୍କର, ସେ ଭକ୍ତି ଅଟଇ କୋଠ ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ଗୋପିକି ଭଜିଲା ଜନ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇ, ବିନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହଁ, ବିନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହଁ, ବିନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହଁ। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି, ଚାରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାର। ଆମେ ଗୀତାରେ ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଶ୍ଳୋକଟିକି ଜାଣିଛେ, ଆର୍ତି ଅର୍ଥାତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ, ଏ ଚାରିପାଖରେ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି କିଏ କାହାର, ନା ଚାରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାର, ଏ ଚାରି ଉପରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ଅଟାଇ କୋଠ ଗୋପୀମାନଙ୍କର, ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ଗୋପିକି ଭୋଜିଲା ଜନ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇ, ଆଉ ସେ ବିନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ। ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ବିନା ପ୍ରେମ ସେ ନ ମିଲେ ନନ୍ଦଲାଲା, ଯେମିତି ମୀରାବାଈ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବିନା ପ୍ରେମ ସେ ନ ମିଲେ ନନ୍ଦଲାଲା, ବିନା ପ୍ରେମରେ ନନ୍ଦଲାଲା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ, ମା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାର କବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତିର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କବଲ୍ୟ ଲଭେ ଅବାନ୍ତରେ ଏ ରୂପ ଦେଖି ଚିତ୍ତ ହରେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଭଗବାନ ତାର ଚିତ୍ତକୁ ହରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି।
तार आउ कवल्य मुक्ति रखी आवश्यकता नहीं। अष्ट ऐश्वर्य जहा चिंति अनंत अनंत विभूति गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद से सर्वे खटंती ता पाए मो भक्त जने दूर नोहे गोविंद 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुंदर भाव रे भगवान कपिल कहते माँ अष्ट ऐश्वर्य जहा चिंति अनंत अनंत विभूति ये ऐश्वर्य माने आउ जिते प्रकार विभूति विभूति माने केवल भस्म नुहे विभूति माने मध्य गोटे ऐश्वर्य चमत्कारिता किंतु परम कारणिक सद्गुरुदेव बाबा श्री वैकुंठनाथ कहती आजिकल आम से महिमा मंडित सिद्ध महापुरुष बोलिकी भावुचे जो मैंने चमत्कारिता देखते किंतु परम कारणिक सद्गुरु बाबा श्री वैकुंठनाथ कहती सत्यर महिमा जाणीचे महात्मा विभूति से माने नहीं विभूति तो माया मरीचिका छया अल्प काल ताहा स्थायी से अमृतमयी कथा आम मैंने आस्वादन करुवा मात्र आज तो समय ही जाए पुणी परवर्ती पर्यायर बोले श्रीमद भागवत भगवान की जगन्नाथ 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 पाही माम जगन्नाथ 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 रख्य माम जगन्नाथ 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 पाही माम जगन्नाथ 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 रख्य माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पाही माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रख्य माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पाही माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रख्य माम बोल जगन्नाथ महाप्रभु की।